प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल भुगतान में एक अग्रणी देश बन चुका है। भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल भुगतान प्रणाली का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ से विदा हुई राज्यपाल अनुसुईया उइके, नए राज्यपाल हरिचंदन 23 फरवरी को लेंगे शपथ। राजनांदगांव के बोरतलाव थाना क्षेत्र में माओवादी हमले में दो जवान शहीद, गार्ड ऑफ ऑनर के बाद गृहग्राम भेजा गया पार्थिव शरीर। और केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना में छत्तीसगढ़ के 433 युवाओं का हुआ चयन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। भारत और सिंगापुर ने एक संयुक्त डिजिटल भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह प्रणाली दोनों देशों के नागरिकों को तीव्र और आसान गति से सीमा पार लेन देन करने की सुविधा प्रदान करेगी। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और सिंगापुर के पेन आउट ने इन लेन देनों को सुगम बनाने के लिए एक समझौता किया है। इस सुविधा का संयुक्त शुभारंभ आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक रवि मेनन ने किया। दोनों देशों के लोगों के लिए सुविधा के शुभारंभ को एक उपहार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह फिनटेक कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब लोग कम लागत और तेजी से मोबाइल फोन से परिजनों को पैसे भेज सकेंगे। उन्होंने कहा कि भारत अब डिजिटल भुगतान में एक अग्रणी देश बन चुका है। सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है। समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते इसका मुख्य आधार है। UPI पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह परिकल्पना पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की 2018 की सिंगापुर यात्रा के दौरान की गई थी। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली कम खर्च में तेज और सुविधाजनक पैसे भेजने की सुविधा देगी। इस प्रणाली से दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया है। राजभवन सचिवालय द्वारा आयोजित विदाई समारोह के उपरांत राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ के प्रदेशवासियों के नाम अपना संदेश प्रेषित कर आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने राजभवन परिवार के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल के विभिन्न पलों को याद करते हुए राजभवन परिवार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में कार्य मेरे लिए अविस्मरणीय है। इधर आज राज्यपाल को माना स्थित स्टेट हैंगर पर भावभीनी विदाई दी गई। उन्हें विमानतल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुश्री उइके को पुष्प गुच्छ भेंट कर विदाई दी।
इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेम साय सिंह टेकाम, कोरबा की सांसद ज्योत्सना महंत, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी सुश्री उइके को विदाई दी। वहीं प्रदेश के नए राज्यपाल हरिचंदन बुधवार 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। वे गुरुवार 23 फरवरी को राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में पद की शपथ लेंगे। उन्हें बिलासपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति अरूप कुमार गोस्वामी शपथ दिलाएंगे। वीर सावरकर भवन में नेहरू युवा केंद्र कवर्धा, युवा मंत्रालय व खेल मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी सौरभ निषाद ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे देश में G20 के आयोजन और ईयर ऑफ द मिलेट्स के संबंध में युवाओं को जानकारी प्रदान करना व संसद के लिए एक अच्छा, ईमानदार व जिम्मेदार जन प्रतिनिधि का चुनाव करना है। नेहरू युवा केंद्र कवर्धा युवा कार्यक्रम भारत सरकार के तत्वाधान आस पड़ोस युवा संसद का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्यतः विषय G20 के ऊपर रखा गया था और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। इसमें सभी ब्लॉक के जो युवा साथी हैं वो उपस्थित हुए थे, उनको जागरूक करने का एक प्रयास किया गया है। जो आसपास उनके घटना होती है, जो आयोजन होता है, जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में वो जागरूक बने। इस कार्यक्रम में कवर्धा, पंडरिया, बोरला और सहसपुर लोहारा विकासखंड के सैकड़ों युवाओं ने उपस्थिति होकर देश में चलने वाले संसद की कार्रवाई को समझा और संसदीय गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान। एनी टाइम एनी वेयर सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है, दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन फास्टेस्ट ट्रस्टेड टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। पेमेंट फेल, पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है, दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन फास्टेस्ट ट्रस्टेड टेस्टेड TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान ICAR में 2 दिवसीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समन्वित कृषि प्रणाली द्वारा जैविक स्ट्रेस प्रबंधन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना, इस विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में अमरकंटक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रकाश मणि त्रिपाठी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान परंपरागत कृषि तकनीक एवं कृषि के तीनों सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आयाम पर चर्चा की गई और स्थानीय किस्मों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि ये किस्में देश की संरक्षित धरोहर है। इस विषय पर और अधिक अनुसंधान एवं प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। वस्तुतः कृषि के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था बहुत सशक्त होती है और इस प्रक्रिया में यह संस्थान लगा हुआ है। खेती की आधुनिक तकनीक का क्या हम प्रयोग करें, यह वर्ष मोटे अनाज का वर्ष है और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है कि कैसे हम सावा, कोदो, मड़ुआ, टांगुन, कोदो, रागी, मक्का, ज्वार, बाजरा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में जगह दें, इसका उत्पादन बढ़ाएं। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है और आजकल जैविक खेती के माध्यम से इसकी कीमत बहुत लगती है। पूरा ध्येय है किसानों की आय बढ़ाया जाए।
आईसीएआर के निदेशक डॉक्टर पीके घोष ने बताया कि यह संस्थान किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों के लिए उनके गांव में जाकर भारत सरकार की कई योजनाएं लागू की गई हैं। जैसे हमें उनको बाजार से ना खरीदने पड़े, इसलिए कैसे कौन सा फीड लाएगा जो उनका तैयारी कर सके, तो उसमें लागत कम होगा, है ना, जो जिसमें लागत कम होगा तो उसका फायदा होगा। तो ऐसे कैसे आपका 2-3 साल में, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे बकरी पालन हो, चाहे आपका वटर पालन हो, चाहे मशरूम से कैसे उनको आपका इनकम बढ़े, और दूसरा और भी 3-4 चीज़ करके कैसे इनकम बढ़ाएं, बच्चों का पढ़ा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, इनिशियल हम सपोर्ट दे रहे हैं। आईसीएआर के संयुक्त निदेशक अनिल दीक्षित ने बताया कि इस कार्यशाला में कृषि उत्पादक संगठन एवं कृषि से जुड़ी हुई औद्योगिक इकाइयों के किसानों के बीच परिचर्चा आयोजित की गई थी। हम लोगों ने कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है, ये राज्य स्तरीय स्तर का प्रशिक्षण एवं कार्यशाला है, और इसमें हम लोगों ने जो है राज्य भर के किसानों को आमंत्रित किया है, और लगभग जो है 150 से 200 किसान इस कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं। और इसमें हमारी जो मेन कोशिश ये रहेगी कि जितने भी हमारी कृषि की योजनाएं हैं भारत सरकार की, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे पशु चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे वो उद्यान विभागीय से हो या मत्स्यिकी की हो, तो इन सब विषयों पर जो है विस्तृत चर्चा होगी, और जो स्कीमें किसानों के फायदे के लिए हैं उन स्कीमों का क्रियान्वयन किस तरीके से जो है जमीनी स्तर पर हो रहा है, उन सभी की जानकारी हम किसानों को यहाँ देने का प्रयास करेंगे। बताया गया है कि इस कार्यशाला में लगभग 300 से ज्यादा किसान शामिल हुए। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा आउटरीच कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। राजनांदगांव में सोमवार की सुबह बोरतालाब थाना क्षेत्र में माओवादी हमले में 2 जवान शहीद हो गए। शहीद हुए दोनों जवानों के पार्थिव देह को राजनांदगांव लाया गया, जहां शहीद जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद शहीद जवानों के पार्थिव देह को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि घटना किन परिस्थितियों में हुई है, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जो हमारा बोरतालाब थाना है, वहां से हमारे 2 जवान, जिनमें एक हेड कांस्टेबल राजेश राजपूत और उनके साथ में एक सीएएफ का 21वीं बटालियन का कांस्टेबल ललित समरत, ये दोनों एमसीपी के लिए निकले हुए थे, और वहीं पे जहाँ पे बॉर्डर है वहीं पे पहले ही नक्सली घात लगा के बैठे हुए थे, और इनके वहाँ पहुँचते ही उन्होंने बहुत क्लोज रेंज से फायरिंग करके और इनको दोनों हमारे जवान हैं उसमें शहीद हो गए उस फायरिंग में, और उसके बाद से हमारी टीमें वहाँ निकली हुई हैं। अभी किन परिस्थितियों में ये हुआ और किन कारणों से हुआ इसकी हम जांच कर रहे हैं, और बहुत ही जल्द हम लोग काउंटर ऑपरेशंस लॉन्च करके और उस एरिया को फिर से सुरक्षित बनाएंगे। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर दर्रेकसा एरिया कमेटी के माओवादी लंबे समय से सक्रिय हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसी कमेटी के स्मॉल एक्शन टीम ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। बताया गया है कि वारदात को अंजाम देने के बाद नक्सली मौके से भाग निकले। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निवीर योजना में छत्तीसगढ़ के 433 युवाओं को सफलता मिली है। सभी सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें अलग अलग प्रशिक्षण केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इन सफल युवाओं को 21 से 26 फरवरी तक प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों ने बताया कि इस सफलता से न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके परिवारों को भी काफी खुशी मिली है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अभी तक का सफर मुश्किलों भरा रहा है और आगे भी सफर कठिन रहेगा। महसूस हो रहा है, मैं 3 साल से लगातार मेहनत कर रहा था, उसका फल मेरे को मिला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। देश सेवा के लिए हम लोगों को अग्निवीर के तौर पर 4 साल का मौका है, अगर उसमें अच्छा करेंगे तो 25% को आगे के लिए रखेगा, और जो 75% बचेंगे उसके लिए आर्म फोर्सेस में SSC और असम राइफल जैसे में बेनिफिट मिलेंगे। बताया गया है कि सभी अभ्यर्थियों को 28 फरवरी को प्रशिक्षण केंद्र में आमद देनी होगी और 1 मार्च से इनका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।